तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ का जो आपका एग्ज़ाम है 18 अप्रैल का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो टाइप के जो क्वेश्चन आपके 5 नंबर के, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिए। यहाँ से मैं आपको यहाँ से 3 ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इन 3 क्वेश्चनों में से आपका 1 क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में, HBSC बोर्ड परीक्षा में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखो, इस वीडियो हम करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ठीक है, जो डायग्राम करना आपको यहाँ से ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक मोटर का, एक्सप्लेन करना उसको प्रिंसिपल एंड वर्किंग कैसे काम करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए स्प्लिट रिंग एंड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आपको देखते हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ कि डायग्राम किस तरीके से है। देखो, ये रहेगा जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका डायग्राम आपको दे रखा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पी और क्यू, देखो पी और क्यू क्या है, स्प्लिट रिंग है, मतलब क्या है, स्प्लिट रिंग आपको दिख रही होगी यहाँ से। और ये आपको दिख रहा है 2 बर्स, एक्स और वाई क्या है, 2 बर्सेज हैं यहाँ पे। तो एक बार हम यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या वर्क होता है कि इट इज़ डिवाइस द कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें कन्वर्ट करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए कोयल कैरिंग करंट इज हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या आता है, जो कोयले होती है उसमें जो कोयल और कैरिंग करंट इज हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ एक्सपीरियंस ए टॉर्क विच रोटेट द कोयल। जब क्या होती है, कोयल रोटेट होती हैं तो उसमें क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, रोटेट होती है तो टॉर्क होता है। और यहाँ से जो इस बेस पे क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, करंट को शो करती है। वर्किंग कैसे करती है, मतलब देखो, वर्किंग मतलब करंट इन द कोयल ABCD इंटर फ्रॉम द बैटरीज थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लो बैक टू बैटरीज फ्रॉम ब्रश वाई। मतलब ABCD क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ABCD मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ABC, यहाँ से जो करंट यहाँ से इस साइड ऐसे जाता है और इस साइड से आता है, तो ये बर्सेज है आपकी, बर्स दे रखी है। ये एक्सल को क्या करता है, मतलब रोटेट करता है। ये एक्स बर्स है और ये वाई बर्स है, और ये 2 रिंग दी हुई है आपको, ये 2 रिंग आपको दिख रही होगी, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू 2 रिंग है, स्प्लिट रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हम स्टार्टिंग से चलते हैं कि आपका जो वर्किंग पे चलते हैं, क्या यहाँ तक आ गए हम, बर्स द करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम सी टू डी। मतलब पहले करंट ए टू, मतलब ये आपकी रहेगी ऐसे दे रखा है इस तरीके से, मतलब यहाँ से ए बी और सी डी, मतलब जो करंट है यहाँ से ए से जाता है और इस साइड ए से बी जाता है और सी से डी आता है। ठीक है, अब हो गया आपका ए टू बी एंड सी टू डी। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें कौन सा रूल यूज होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज होगा। फॉर द डायरेक्शन फोर्स वी फाइंड दैट द फोर्स एक्शन ऑन आर्म ए बी पुशेज इट डाउनवर्ड व्हाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म सी डी पुशेज इट अपवर्ड दीज टू फोर्सेज बिगिन इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल फ्रॉम ए कपल्स। ठीक है, तो ये दे रखा आपको, नेक्स्ट है बिगिन इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल होगा। यहाँ से द कपल रोटेट द एक्सल इन एंटी क्लॉकवाइज, जो एक्सल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करेगा, मींस इस तरीके से रोटेट करेगा। एक क्लॉकवाइज ये होता आपको और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपका ये हो जाएगा, क्लॉक जिस तरह हमारी घड़ी रोटेट करती है इस तरीके से। द डायरेक्शन ऑफ द करंट ए बी एंड सी डी रिवर्स्ड, नाउ सी डी एक्सपीरियंस एंड आउटवर्ड फोर्स ए एंड ए बी एक्सपीरियंस इन इनवर्ड फोर्स। ठीक है, द एक्सल दस कंटिन्यूस रोटेटिंग इन द सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो एक्सल होगा क्या करेगा, रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब दे रखा है इसका फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट रिंग है उसका क्या फंक्शन है। स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर, ए डिवाइस दैट द रिवर्स द डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटर। द रिवर्सल करंट आल्सो रिवाइज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग टू आर्म्स एंड ए बी एंड सी डी। टू आर्म्स कौन कौन सी है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये द रिफोर्स
द कोयल एंड एक्सल रोटेट ऑफ एंड ट्रेन मोर इन सेम डायरेक्शन गिवन राइज टू कंटिन्यूस रोटेशन कोयल ऑफ द एक्सल। ठीक है, ये था आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका ये पांच नंबर में 100% आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से रट के जाना है आपके एग्जाम में, तो आपको कन्फर्म आपको पाँच नंबर में सही। अब आता है एक यहाँ से एक और आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ से देखो राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड रूल क्या है, देखो राइट हैंड रूल आपको यहाँ से राइट जो आपका हैंड है वो दिख रहा होगा। देखो यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो आपकी जो ये थंब है मोमेंट ऑफ द कंडक्टर किसको मोमेंट करता है, कंडक्टर को, और ये आपकी जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और आपकी जो फिंगर है ये बीच वाली मीडियम जो क्या करती है, करंट इंडक्ट टू कंडक्टर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है ये मोशन को, ये फील्ड को, ये इंडक्ट करंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से देखो इसकी जो थ्योरी हो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज ए सिंपल रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द इंडक्ट करंट, स्टेक टू थंब मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड सो द एंड परपेंडिकुलर टू इच अदर एज शो फिगर, दे रखा आपको ये। तो यहाँ से फोर फिंगर्स पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मिडल फिंगर क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस सिंपल रूल इज नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है। यहाँ से एक बार मैं डायरेक्टली इसकी थ्योरेटिकली ये बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी सेल्फ फाइंड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम दैट थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाई ए सिंपल रूल कॉल्ड इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रेच द थंब फोर गिवन फिंगर्स मिडल फिंगर्स ऑफ लेफ्ट, उसी में भी सेम है, बस इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा कि मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सो दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ द फर्स्ट फिंगर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन एक बोले तो दोनों क्वेश्चन भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।